तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको माइक्रोफोन ऐप की सभी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोफोन ऐप के यूज़र हैं, अगर आपको माइक्रोफोन ऐप की सभी सेटिंग्स के बारे में नहीं पता है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो को आगे की ओर ले जाते हुए। सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रोफोन ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर माइक्रोफोन ऐप को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे ही माइक्रोफोन ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो सबसे पहली सेटिंग है वो सबसे ऊपर में आपको मिक का ऑप्शन दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एरो लगा के बता पा रहा हूँ, सिंपली आपको इस मिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस मिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिक का ऑप्शन दिखेगा एंड सेकेंड नंबर पर PTT का दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर में जो मिक का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस मिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड सेकेंड नंबर पर फ्रेंड्स, ये जो सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको जो सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे जो साउंड है फ्रेंड्स, वो आपको 32 dB में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है इसको 32 dB में सेटिंग कर लेते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो यहाँ सेकेंड नंबर पे जो सेटिंग किया है वो 32 dB में रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एरो लगा के बता पा रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, तीसरा यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको सिंपली यहाँ पर फ्रेंड्स थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा फिल करने के लिए, सिंपली आपको इस छोटे से बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से एक बॉक्स मिलेगा छोटा सा, यहाँ पे लिखा हुआ आपको स्वैप, ठीक है। तो सिंपली आपको इस स्वैप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेफ्ट वाला है इसको आपको 5 पे रखा है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट वाला है आपको इस पर 5 पे रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लेफ्ट वाले को यहाँ पे 7 पे रखा एंड राइट वाले को मैंने यहाँ पे 5 पे रखा। फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से सेटिंग कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर में मिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एरो लगा के बता पा रहा हूँ। सिंपली आपको इस मिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे मिक दिख जाएंगे, जो भी कलर आपको पसंद है आपको सिंपली उस पर टच कर लेना है एंड उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से कोई अच्छे कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एंड फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर में एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एरोना के बता पा रहा हूँ। सिंपली आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखना है, मैंने जो जो सेटिंग को ऑन किया हुआ है वो भी आपके माइक्रोफोन में ऑन होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एरो लगा के बता पा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे यहाँ पे जितने सारे सेटिंग ऑन है वो सारी सेटिंग आपके माइक्रोफोन में भी होना चाहिए, जब भी ये माइक्रोफोन सही से वर्क करेगा। बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि हमारे जो फ़ोन में वो माइक्रोफोन वर्क नहीं करता, तो वर्क इसीलिए नहीं करता क्योंकि आप लोग सेटिंग गलत करते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा फ्रेंड्स और ये काम करना होगा। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक साउंड को, यानी कि साउंड को घटाने और फ्रेंड्स बढ़ाने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एरो लगा के बता पा रहा हूँ, ठीक है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है साउंड जो है, आप यहाँ से साउंड को बढ़ा भी सकते हो एंड घटा भी सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको और भी बता दूँ, इस माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए आपको एयरफोन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर यहाँ पर हम किस टाइप के माइक्रोफोन को, सॉरी एयरफोन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे भी कमेंट करते हैं, क्या सर हम यहाँ पर अगर इस माइक्रोफोन में सस्ते एयरफोन का यूज़ करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लोग इस माइक्रोफोन में सस्ते एयरफोन का भी यूज़ करेंगे तब भी आवाज़ उतना ही आएगा। अगर आप लोग महंगी एयरफोन का यूज़ करेंगे इस माइक्रोफोन में तब भी आवाज़ उतना ही आएगा, यानी कि माइक्रोफोन में आपका एयरफोन का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई सा भी एयरफोन यूज़ कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे सब कुछ सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिससे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एरो लगा के बता पा रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एयरफोन को लगा के इस माइक को टच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ पे इस माइक की आवाज़ को सुन लेते हैं एयरफोन को लगा के। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एयरफोन का यूज़ कर लिया। फ्रेंड्स, हम जैसे ही एयरफोन को लगा लेंगे, जो माइक यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली हमको इस माइक पे क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस माइक पे क्लिक कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जैसे ही इस माइक में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर मेरी आवाज़ सुन सकते हो, मेरी आवाज़ कितना तेज़ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस साउंड को आप और भी बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको साइड में साउंड को बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब अपने हिसाब से यहाँ पर साउंड को बढ़ा या घटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस ऐप से रिलेटेड कोई भी समस्या आता है तो आप हमको इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच।